नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल अंकित में। मैं हूं अंकित गायकवाड़ आपके साथ, और आज मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग टेबल लैंप की, जिसे कहते हैं अमेजोन पे जो अवेलेबल है, जिसका नाम है ESN999, और उसकी आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं बॉक्स पैक, और मैं इसको ओपन करता हूं जल्दी से। मैं इसको ओपन कर देता हूं जल्दी से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये बॉक्स खाली है एकदम, आप देखते हैं बॉक्स एकदम खाली है। और उसके बाद ये हमारा टेबल लैम्प, यहाँ आपको काफ़ी कलरफुल लोगो मिल जाता है, स्टाइलिश टेबल लैम्प है ये। और इसके बगल में कलर है, कलर ऑप्शंस है, जब आप इसको खरीदते तो वहाँ पे भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये इस टाइप की है, देखिए यहाँ पे पेन होल्डर भी मिल जाता है आपको। तो मैं इसके अंदर का अनबॉक्स करता हूँ, अंदर कंटेंट इसके क्या क्या आते हैं। तो व्हाट इज दिस, ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी टेप कट है, तो ये तो बहुत ही गलत है, ये मेरे को कटेड टेप के साथ मिला है। तो चलिए मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा अमेजोन पे, ये मुझे क्यों मिला तो मेरे को बताएंगे। फिर चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या क्या है इसके बॉक्स कंटेंट्स। पहले आपको मिल जाता है एक बल्ब, बल्ब इसमें लिखा होगा कितने 5 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब है, 5 वाट का एलईडी बल्ब आपको इसके साथ फ्री मिल जाता है। आपको इसका कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है अलग से, तो आप ये फ्री में खरीद सकते हैं। इसको रखते हैं साइड में, ओपन करते हैं अपने टेबल लैम्प। टेबल लैम्प मैंने ओपन कर दी। अब ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये एकदम फ्लेक्सिबल है अंदर। तो इसको पहले मैं इसके जो ये है पॉलीथिन लगी है उसको मैं कट कर देता हूँ, पॉलीथिन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे से हटा देता हूँ, देखिए मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। और ये इसका वायर है, काफी कोई हाई क्वालिटी का वायर नहीं है, लो क्वालिटी का वायर एकदम। और इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी प्राइस लगभग 200-250 रुपये की प्राइस है इसकी, तो इसकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो ये हमारी वायर, इसको ऊपर से करते हैं ओपन, और उसके बाद इसको यहाँ से, तो आप देख सकते हैं अंदर कुछ खास कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, कोई भी खास चीज़ आपको अंदर नहीं मिलती है जो आपको कोई हेल्प करे। अंदर एक नॉर्मल होल्डर लगा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एक अंदर एक होल्डर लगा है और ये वायर निकली हुई है। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि आप इसको एकदम कभी भी किधर से भी, ये देखिए 360 आप इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, 360 फ्लेक्सिबल, आप ऐसे ऐसे जैसा आप करना चाहते हैं वैसे आप इसको कर सकते हैं अगर आप करें तो। और ये देखिए यहाँ पे हो रही है, तो मैं इसके अंदर लगाता हूँ ये बल्ब। इसको आपको इसके होल्डर के अंदर लगाना है, इसके होल्डर के अंदर, इसके होल्डर के अंदर लगा देता हूँ ये बल्ब। बहुत ही लो क्वालिटी की चीज़ है, लेकिन मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से आप इसको ना खरीदें, कोई आपको एलईडी की मिल जाए वो खरीद लीजिएगा, मेरा ये है, मैंने इसको खरीद लिया है, तो ये मेरे से ये भी गलती होगी। तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप इसको ना खरीदें। ये देखिए इसके अंदर सेट हो गया है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो खरीद लें, मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको थोड़ी अच्छी प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी इससे अगर आप लेना चाहते हैं तो। और यहाँ पे इसको मिल जाता है ऑन ऑफ बटन, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, ये है ये आपको पेन रखने के लिए, और ये काफ़ी जगह है। और इसकी ये वायर मिल जाती है जो कि काफ़ी कुछ खास नहीं है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है मेरा बोर्ड,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको करता हूँ ऑन, जल नहीं रही है। देखिए ये जल गई, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जल चुकी है। ये एलईडी वाले में तो आपको इसमें हाथ लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, अगर आप इसमें हाथ भी लगाते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको इसके पास में आके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और यहाँ से मैं अगर ऑन ऑफ बटन दबाऊँ, ये देखिए मैंने इसको फ्लेक्सिबल करके यहाँ पे कर दिया है। और ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये है हमारी ES-N333 की टेबल लैम्प, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की नहीं है लेकिन मिड रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मैं आपको इसमें दूसरा बल्ब लगा के दिखाता हूँ कि ये इसमें सपोर्ट करता है कि नहीं। तो चलिए ये दूसरा बल्ब, तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा फोकस दे रहा है, अगर आप इसमें दूसरा यूज करते हैं। ओह नो, ये इसमें से निकल गया, तो मैं इसको डबल लगा देता हूँ, डबल वापस से लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने परफेक्टली इसमें लगा दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा फोकस दे रहा है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं इसको बंद करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अगर मैं इसको चालू करूँ तो आप देख सकते हैं कितना इस पर असर पड़ रहा है। तो ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आपको आपको इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए रेड कलर का बटन और उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाइए, जिससे कोई भी नई अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहेगी।